अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का वीक नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें मॉड्यूल नंबर 109 से 125 तक है। यानी टॉपिक आपका जो LMS पर है वो 109 से लेकर 125 तक, ठीक है। ये नया सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। इसके प्रीवियस 8 वीक्स हम मैंने अपलोड कर दिए हैं बना के, आप इस प्लेलिस्ट में या हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अर्ली जनरेशन मॉड्यूल 109 क्या है। अब पहले जो इनिशियल आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी 1940s में, वो बेस होती थी इनकोडेड सिस्टम मशीन लैंग्वेज के ऊपर। इनकोडेड सिस्टम इज़ नॉन एज अ मशीन लैंग्वेज, ये हाईलाइट कर। अब उन मशीन लैंग्वेज को ये देखने के लिए कि उसमें एरर है या नहीं है, उस वक़्त डिबगिंग का नाम दिया गया था कि पहले उसको करने से पहले उसको डिबग कर लिया जाए कि आया जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में मशीन को, वो बिल्कुल ठीक है या उसमें कोई मसला है। सबसे पहली लाइन को पढ़ें, प्रोग्राम फॉर मॉडर्न कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर इनकोडेड एट न्यूमेरिक डिजिट्स 01। न्यूमेरिक डिजिट जो हम 01 में हम मॉडर्न इंस्ट्रक्शन ऐसे करते थे, लेकिन उस ज़माने में हम इनकोडिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे और उसको हम डिबग करते थे। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि उसको यूजिंग उस ज़माने की नोटेशन के मुताबिक रजिस्टर, ये पढ़ लें यहाँ से, रिसर्च सिंप्लीफाई द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेस बाय डेवलपिंग नोटेशन सिस्टम बाय विच इंस्ट्रक्शन कुड बी रिप्रेजेंट इन निमोनिक्स रेदर देन न्यूमेरिक फॉर्म। न्यूमेरिक फॉर्म के बजाय निमोनिक्स में उनको एक टर्म दे दी गई थी कि निमोनिक्स हैं रेदर देन न्यूमेरिक फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्शन मूव कॉन्टेंट ऑफ रजिस्टर 5 to 6 विल बी रिप्रेजेंटेड एट 4056। निमोनिक्स के अंदर ये था, लेकिन इसको हमने रिफाइन किया मशीन लैंग्वेज के अंदर, इसको बेहतर किया, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। 5-6 तो हमें ये समझ आ रहा है, ये 4-0 क्या चीज़ है। इसको हमने बेहतर जो है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखने के लिए किया, तो ये बन गया। अब ये उसके निमोनिक्स से कोड आ गए। अब ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है, 6C क्या है, 6D स्टोर द रिजल्ट एट द लोकेशन, ये हमने पहले पढ़े थे, लेकिन ये भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। अब इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने निमोनिक्स को ही मॉडिफाई करके उनको लिखा एज एन आइडेंटिफायर्स, प्रोग्राम आइडेंटिफायर्स की फॉर्म में, उन्हीं कोड्स को यूज़ करते हुए हमने बैक एंड पे वो कोड यूज़ हो रहा है, लेकिन हमने उन निमोनिक्स को और आइडेंटिफायर्स को जो कि डिस्क्रिप्टिव नेम दे दिए गए प्रोग्राम वेरिएबल को, जैसे यहाँ पर LD R5 प्राइस, यानी R5 रजिस्टर के अंदर प्राइस को, जो प्राइस का वेरिएबल है आइडेंटिफायर है, उसको ऐड कर दो। R6 के अंदर लोड कर दो शिपिंग चार्जेस को। एड आई मतलब R0 के, R5 और R6 को ऐड करके R0 में लोड कर दो, और R0 को रिप्रेजेंट करना है टोटल कॉस्ट, एज अ टोटल कॉस्ट हमने स्टोर करवाया है। LD का मतलब है लोड, ADI का मतलब है ऐड, ST का मतलब है स्टोर, और HLT का मतलब हाल्ट, यानी उसके बाद प्रोग्राम को बंद कर दो। सिंपल, ये आपकी जो है आपका अर्ली जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो ऐसे करती थी। अब ये मॉड्यूल नंबर 110 में ये बताया गया कि वो जो निमोनिक सिस्टम था उस प्रोग्राम को हम असम्बलर कहते थे, कन्वर्ट निमोनिक इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। ये निमोनिक जो है ये ऑटोमेटिकली असम्बलर्स को यूज़ करते हुए मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो कंप्यूटर का भी समझ जाए, इंसान का भी समझ जाए। ये जो निमोनिक सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग प्रोग्राम, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते थे, उसको असम्बली लैंग्वेज कहा जाता था। असम्बलर्स आर यूज टू कन्वर्ट, और असम्बली लैंग्वेज में हम वो निमोनिक्स जो थे जो हमने ऊपर कोड पढ़े, प्रोग्राम आइडेंटिफायर्स, वो हमने जो लिखे निमोनिक एक्सप्रेशंस,
वो हम उसको कन्वर्ट करते थे असम्बलर्स को यूज़ करते हुए, लिखे असम्बली लैंग्वेज के अंदर जाते हैं। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी थे उस टाइम पर। अब लैंग्वेज ही ऐसी थी, अब मशीन लैंग्वेज से बेहतर था ये एज़ कम्पेयर टू। हम मशीन कोड जब हमने पढ़े वो तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या है वो। जो डेवलपर थे, वो प्रोग्रामर थे, जो कोर प्रोग्रामर थे, उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने उसको प्रोग्राम किया था। दूसरे को तो बड़ी मुश्किल से समझ आएगा। उसका एक डिसएडवांटेज ये था कि दैट द प्रोग्रामर ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड अ कोड इंस्ट्रक्शन न्यूमेरिक फॉर्म इज स्टिल फोर्स टू थिंक इन द टर्म ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट टाइप ऑफ मशीन लैंग्वेज। अभी भी वो ये हो गया कि प्रोग्रामर ने न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं करना, लेकिन अभी भी वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उन चीज़ों को पढ़ के ही करेगा ना। वो फिर भी इतना जो है वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, इसलिए इस चीज़ को उन्होंने बेहतर करने के लिए ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस बनाई, जैसे कि फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, कोबोल, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, या सी या सी प्लस प्लस, जो हम बेसिकली मॉडर्न में पढ़ते हैं लैंग्वेजेस में। हम उसको डायरेक्ट इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते थे उसके अंदर कि असाइन कर दो टोटल कॉस्ट द वैल्यू ऑफ प्राइस प्लस शिपिंग, तो इसके अंदर असाइन कर दो, यानी इसके अंदर ये वैल्यूज को ऐड करके कहीं पर रख दो। कहाँ पर रख दो ये भी हम आगे पढ़ते हैं। वो कहता है आइडेंटिफायर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पर आइडेंटिफायर प्रोग्राम आइडेंटिफायर, और जो उसकी वैल्यू लिखनी है हाई लेवल प्रिमिटिव में मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर ऐसे हो रहा था, लेकिन हम पहले उसके अंदर ऐसे नहीं कर रहे थे। पहले हम क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे लोड, हमने वो लिखा इसका जो, इसके बाद हमने निमोनिक्स लिखा, उसके बाद हमने बताया इस रजिस्टर के अंदर ये रख दो, इस रजिस्टर के अंदर ये रख दो। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफायर का भी नाम दे रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन का नाम भी दे रहे हैं कि लॉर्ड, और उसकी जगह हम कुछ भी अपनी मर्जी का नाम लिख कर उसको लिख के हम कर लें। अब ये हाई लेवल प्रिमिटिव है, वो लो लेवल लैंग्वेज थी मशीन इंस्ट्रक्शंस और आपकी असेंबली लैंग्वेज, वो लो लेवल प्रिमिटिव या लो लेवल हाई लैंग्वेज कह लें, हाई लेवल में का जो है वो, उसमें जो उसमें असम्बलर था ट्रांसलेट करने के लिए, यहाँ पर कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर सारे प्रोग्राम को एक वक्त में ट्रांसलेट करके आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाएगा। इंटरप्रेटर जो है वो एक एक लाइन को पढ़ता है, उसको कंपाइल करेगा, उसको रन करके चेक करेगा, फिर करेगा करेगा, इन दी एंड वो आपको दिखाता यही है कि वो सारा हो गया है। इमर्जेज एज अनदर मीन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, दिस प्रोग्राम वाज सिमिलर ट्रांसलेटर एक्सेप्ट दैट दे एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एज दे आर ट्रांसलेटेड इंसर्ट द प्री-कोडिंग द ट्रांसलेटेड वर्जन फॉर फ्यूचर यूज, दैट इज रादर देन प्रोड्यूसिंग अ मशीन लैंग्वेज कॉपी ऑफ प्रोग्राम दैट विल एग्जीक्यूट लेटर। इंटरप्रेटर एक्चुअली एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फिर हाई लेवल फॉर्म, हाई लेवल फॉर्म से ही ट्रांसलेट करता था, लेकिन ये एक एक लाइन को बारी बारी करता है, कंपाइलर सारे को करता है। दोनों की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये डायरेक्ट हाई लेवल फॉर्म में कर देता है उसको। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज में दोनों में फ़र्क क्या होता है। नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियर हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, उर्दू, लैटिन, जर्मन, उर्दू होगी। फॉर्मल लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमें डिफरेंस यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो हम बेसिकली अब थर्ड जन लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की, वो हम नीचे अभी जनरेशन हम मशीन इंडिपेंडेंट में पढ़ेंगे कि हम जनरेशन क्या होता है। मशीन इंडिपेंडेंस हम वही बात पढ़ते आ रहे हैं कि मॉडर्न लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर हम इंग्लिश में ही एग्जीक्यूट करें, यानी जो हम असेंबली में कर रहे थे असेंबली लैंग्वेज में, उससे बेहतर हम कर सकें ताकि हमें आइडेंटिफायर और एक्सप्रेशन, यानी हम जिस जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं या जिसको असाइन करनी है, दोनों हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें, पढ़ सकें। पहले तो हम ऐसे कर रहे थे ना, अभी हम आगे फर्दर इसी चीज़ को हम मशीन इंडिपेंडेंस को ही आगे लेके चल रहे हैं इम्पेरेटिव पैराडाइम के अंदर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मसला ये आया कि जब ये हमने स्टार्ट करने की कोशिश की, जो प्रोग्रामर्स थे, साइंटिस्ट थे, अब उनको किसी पैराडाइम की ज़रूरत होती है, आपको यानी कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, कोई तरीकाकार चाहिए होता है। पैराडाइम्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, कोई तरीकाकार, कोई सिस्टम, कोई चीज़ हो जिसके ऊपर बेस करके हमने प्रोग्रामिंग करनी है, जिन चीज़ों को यूज़ करके प्रोग्रामिंग की जाए।
प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो थी सबसे पहले इंपेरेटिव पैराडाइम यानी प्रोसीजनल पैराडाइम अडॉप्ट की गई, रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल अप्रोच टू प्रोग्रामिंग प्रोसेस इन द पैराडाइम ऑन विच द पाइथन एंड आर सूडो कोड आर बेस्ड एज अ मशीन लैंग्वेज एंड द एज द नेम सजेस्ट द इंपेरेटिव पैराडाइम डिफाइन द प्रोग्रामिंग प्रोसेस टू बी डिवेलप ऑफ सीक्वेंस ऑफ कमांड दैट व्हेन फॉलोड मैनिपुलेट द डाटा टू प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट। यानी इंपेरेटिव पैराडाइम के अंदर सीक्वेंस ऑफ कमांड हम उसको देते थे, यानी प्रोग्रामिंग एक जो है वो आप सीक्वेंस में करेंगे, ये बेसिकली आपके सूडो कोड के ऊपर आप जो कोड लिखते हो, जैसे हमने पीछे सूडो कोड पढ़ा, ये वर्ड है सूडो कोड, तो सूडो कोड हमने पढ़ा उसके ऊपर हमने एक सीक्वेंस में कमांड्स देनी है विच मैनिपुलेट द डाटा टू प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट, जो हम मैनिपुलेट करके डिजायर रिजल्ट जो है वो फाइंड करते हैं। अब ये देखें, पहले ये था कि प्रॉब्लम सॉल्व इन एन एनवायरनमेंट इन विच ह्यूमन मस्ट कन्फर्म टू मशीन करेक्टरिस्टिक्स। मशीन करेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन फर्स्ट जनरेशन में थे, लेकिन अब फोर्थ फेज जनरेशन में प्रॉब्लम सॉल्व इन एन एनवायरनमेंट इन विच मशीन कन्फर्म टू ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें मशीन जो है वो ह्यूमन करेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड कर रही है। पहले हम मशीन को करेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करता था ह्यूमन, लेकिन अब मशीन जो है वो ह्यूमन के करेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करती है। ये आपकी इंपेरेटिव पैराडाइम के अंदर चेंजेस आ गई थी, ऑलरेडी जब इंपेरेटिव पैराडाइम आई थी इस वक्त ये चेंजेस आ गई थी इस जनरेशन में। और ये सारी जनरेशन के मुताबिक सारी लैंग्वेजेस थी, पहले मशीन आई, फिर फोर्ट्रान, फिर बेसिक सी, पास्कल, फिर एडा, फिर सी प्लस प्लस, जावा। अब कौन कौन सी फंक्शनल पैराडाइम में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, इंपेरेटिव में है, डिक्लेरेटिव में है, वो सारों की उसके मुताबिक बताया हुआ है। ये पेपर में पूछा जाता है कि इंपेरेटिव पैराडाइम में कौन सी आती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, यानी जहाँ ये ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिखा ना, इससे नीचे वाली सारी हैं, स्मॉल डॉक, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एडा, बेसिक सी, फोर्ट्रान, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। फंक्शनल कौन सी है, रियल बेसिक, सी शार्प। इंपेरेटिव कौन सी है, पास्कल, प्रोलॉग, इस तरह। कौन से ईयर में आई, 1990 में कौन सी आई, सी प्लस प्लस, पाइथन आई, जावा सन 2000 में आई, सी शार्प आई उसके बाद। ये एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, हम आगे इनको पढ़ेंगे। डिक्लेरेटिव क्या होता है, डिक्लेरेटिव में विच आस्क अ प्रोग्रामर टू डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम टू सॉल्व देन रेदर देन एल्गोरिदम टू बी फॉलोड। इसके अंदर एल्गोरिदम नहीं होता डिक्लेरेटिव में, ना कोई एल्गोरिदम फॉलो होता है। हम डिक्लेरेटिव में उसने लिखा हुआ एसक्यूएल सिक्वेंशियल, इसमें क्वेरीज लिखने के लिए बेसिकली क्वेरी लैंग्वेज थी आपके डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस के जो आपने फेच, रिट्रीव और अपडेट और डिलीट करना होता है वो एसक्यूएल में करते हैं। आप एडवांस कोर्स के अंदर इसके अंदर पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। यहाँ पर सिर्फ आपने ये पढ़ना है कि इसके अंदर कोई एल्गोरिदम नहीं होता, इसके अंदर हमने देखना होता है कि प्रोग्रामर डिस्क्राइब करता है प्रॉब्लम क्या है, हमने उसको सॉल्व करने के लिए उसके मुताबिक उसकी क्वेरीज लिख देनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ये इससे क्या हुआ, प्रोग्राम की लॉजिक इन्हांस हो गई। प्रोग्राम के अंदर ही हमने जो है वो डाटाबेस को मैनेज कर लेते हैं हम अपने कोड के अंदर, तो उसकी जो लॉजिक प्रोग्रामिंग की लॉजिक है ना, उससे डिक्लेरेटिव पैराडाइम से काफ़ी इन्हांस हो गई। ये उसके साथ मिल के यूज़ होती है, ये अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है एसक्यूएल, ये डेटाबेस के लिए, डेटाबेस पे काम करने के लिए आपके यूज़ होती है। आप इसको पढ़ेंगे आपको ये फर्दर भी समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फंक्शनल पैराडाइम। अंडर दिस पैराडाइम प्रोग्राम इज व्यूज एन एंटिटी दैट एक्सेप्ट द इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। सिंपल बेसिक इसका मतलब यही है कि फंक्शनल में ये होता है कि जो प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी है आप उसको वो आपका इनपुट को एक्सेप्ट करता है और प्रोड्यूस करता है आउटपुट। इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं, सो दैट ईच यूनिट आउटपुट आर यूज्ड एज एन अनदर यूनिट इनपुट इन सच अ वे दैट डिजायर ओवर आर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज ऑब्टेन। इसमें कुछ इस तरह का प्री डिफाइंड होते हैं जिसमें हमें इनपुट देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही इनपुट और आउटपुट हमें हमारे किसी और दूसरे फंक्शन को असिस्ट करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं कि वो खुद ही इनपुट आउटपुट करके हमें जवाब दे देंगे। इसकी एक एग्जांपल है लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ परमानेंट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय एक्सप्रेशन के थ्रू करती है। जैसे उसका ये लिखा हुआ फाइंड डिफरेंट, फाइंड द सम, ओल्ड बैलेंस क्रेडिट, फाइंड सम डिबेट। अब ये उसके अंदर लिखा गया, अब ये उसी में जो है टू मोर फुली अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन फंक्शनल एंड इम्पेरेटिव में लेट अस कंपेयर द फंक्शनल फॉर बैलेंसिंग अब चेक बुक टू फॉलो द सूडो कोड प्रोग्राम ऑब्टेन। अब ये टोटल क्रेडिट हमारे पास सम ऑफ ऑल क्रेडिट है, टेम्प्रेरी बैलेंस, ओल्ड बैलेंस प्लस टोटल क्रेडिट आर,
फिर टोटल डेबिट जो है वो सम ऑफ डेबिट है, तो बैलेंस जो है वो टेम्परेरी बैलेंस जो ये आएगा और माइनस टोटल डेबिट्स। ये जस्ट एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, इसको हम नीचे फर्दर आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अब इनपुट ऑड बैलेंस, हमारे पास इनपुट था क्रेडिट था डेबिट से, हमने फाइंड सम करना है, इन दोनों का सम फाइंड करना है, डेबिट में हमने फाइंड सम करना है। फिर उसके बाद फाइंड अंडरस्कोर डिफरेंस, ये हम डिफरेंस फाइंड करने लगे यहाँ पर, और हमारे पास ये फाइंड करके न्यू बैलेंस एज आउटपुट आ जाएगा। फंक्शन फॉर चेक बुक बैलेंसिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर सिंपलर फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन के जरूर यूजिंग हम करते हुए चेक बुक का बैलेंस जो है वो हमने इसके जरूर फाइंड कर लिया। ये एक एग्जाम्पल थी कि फंक्शनल में हम बेसिकली फंक्शन की तरफ चले जाते हैं कि चीज़ों का फंक्शन, कि उनको इनपुट दी जाए आउटपुट दी जाए तो वो कैसे जो है फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कैसे उसका आउटपुट आएगा, उसके बिटवीन में इनपुट आउटपुट का जो रिलेशनशिप होता है ये फंक्शनल पैराडाइम के अंदर हम करते हैं। फंक्शन पैराडाइम की एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ी है, सी शार्प जो है, सी शार्प होगी, विजुअल बेसिक होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, सबसे जो इस वक्त कॉमनली यूज होने वाली है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसमें सी सी प्लस प्लस जावा आ जाती है। इसमें हर चीज़ को हम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंट है क्लास का, एन ऑब्जेक्ट दैट इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर क्लास सेट टू बी इंस्टेंट ऑफ क्लास। क्लास क्या है? क्लास आप मेन एक ले लेते हो उसको, कि ये आपका जो है एक चीज़ है, क्लास एक चीज़ है, उसके अंदर जो कुछ भी होना है ना, यानी उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्लास के अंदर कोई मेथड्स होंगे, कोई फंक्शंस होंगे, कोई उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी वो क्या है, क्या चीज़ है, उसको डिफाइन किया जाता है। किसी भी चीज़ को प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना, यूजिंग हम क्लास करते हैं। तो क्लास किसके अंदर यूज़ होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के लिए, विच इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोग्रामिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ऊप क्या होता है? ऊप के अंदर हम, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है जिसके अंदर हम क्लास होती है, क्लास के अंदर हम मेथड्स, उसके एट्रीब्यूट लिखते हैं, और अगर उसमें हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हम रेफर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी ऑब्जेक्ट के अराउंड बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक इंस्टेंट है, क्लास का पार्ट है आपका, ठीक है। आपका सारा सर्कल जो है वो ऑब्जेक्ट के सर्कल, उसी ऑब्जेक्ट के सर्कल घूमना है, यानी उसी पे यूज़ होना है, उसी के ऊपर जो हमने उसके एट्रीब्यूट लिए हैं उन्हीं के ऊपर वो मेथड्स जो हैं क्लास के अंदर होंगे, मेथड वही लिखे जाते हैं। ये फर्दर आप सी प्लस प्लस के कोर्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर इससे ज़्यादा फर्दर डिटेल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग है, जैसे हमने ऊपर असाइन किया था लोड एड स्टोर, वो लो लेवल लैंग्वेज में किया था। हाई लेवल लैंग्वेज में हमने पढ़ा कि आइडेंटिफायर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। अब आइडेंटिफायर जो होता है, हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडर्न में सी प्लस प्लस पाइथन सब जिसमें भी है जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या दूसरी, उसमें एक वेरिएबल के तौर पे ले लेते हैं। अब ये वेरिएबल उसने डिक्लेयर कराया है कि वेट लिमिट, ठीक है, इसकी डाटा टाइप है इंटीजर, इसके अंदर एक डाटा टाइप चीज़ होती है कि सच अ टाइप इज नॉन एज डाटा टाइप एंड इनकम्पसिस बोथ मैनर इन विच द डाटा इज इनकोडेड एंड द ऑपरेशन दैट परफॉर्म। ये वही बात कर रहा हूँ, इसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर, का मतलब है जीरो से लेके हंड्रेड तक, थाउजेंड तक, विदाउट न्यूमेरिक, विदाउट वो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के, यानी 2.2, 2.5, 2.3 ऐसे नहीं आएगा, जीरो से लेके हंड्रेड तक सिंगल डिजिट इंटीजर के अंदर आ सकता है। उसके बाद इंटीजर के बाद हमारे पास करेक्टर है, जिसके अंदर एक करेक्टर आ सकता है, ए बी सी डी ई एफ, आप लेटर ले रहे हैं, डिजिट ले रहे हैं, दोनों में से जो ले लें। ये बेसिकली इस यहाँ पर हमने उसके अंदर इंट वेट इज इक्वल 100 उसको इनिशियलाइज करा दिया कि वेट लिमिट जो है वो 100 है। ये हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, फ्लोट या रियल, रियल नंबर आपको पता है कि वो डॉट के बाद लिखा जाने वाला फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के अंदर 1000.262654 पॉइंट में हम जो लिखते हैं पॉइंट फॉर्म के अंदर, उसे फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। फ्लोट इंटीजर में सबसे छोटा, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट होता है, उसके बाद डबल होता है, यानी बड़ी वैल्यू हो ना, अब 10 करोड़ पॉइंट,
0011100 हो तो वो फ्लोट में नहीं आएगा, वो उसके लिए हमें उससे बड़ा डेटा टाइप की ज़रूरत है जो कि डबल होती है या लॉन्ग या डबल डबल यूज़ होती है। वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपने डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ कॉमन ये होते हैं। इसके बाद बूलियन है, बूलियन आपने पढ़ा था कि ट्रू या फॉल्स, यहाँ वो चीज़ सही होगी या फॉल्स होगी। इसके अंदर वैल्यू यहाँ तो सिर्फ ट्रू हो सकती है या फॉल्स आ सकती है। एग्जाम्पल इफ लिमिटेड लिमिट एक्सीडेड देन एल्स, यहाँ तो वो ठीक होगी या गलत होगी। ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप, द डाटा टाइप इंक्लूडेड प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज इंटीजर फॉर इंट एंड करेक्टर फॉर करेक्टर एंड ऑल्सो प्रिमिटिव डाटा टाइप, इसी को प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। उसके बाद एज वी हैव लर्न दैट द डाटा टाइप एज इंटीजर फ्लोट करेक्टर एंड बुलियन आर कॉमन प्रिमिटिव टाइप अदर देन द डाटा टाइप दैट हैव नॉट येट बिकम वाइड स्प्रेड प्रिमिटिव इंक्लूड इमेज ऑडियो वीडियो एंड हाइपर टेक्स्ट के लिए जो यूज होते हैं। इमेज के लिए हम जिफ यूज करते थे, हमने पढ़ा था। वीडियो के लिए हम MPG, MP4, AVI और डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। और हाइपर टेक्स्ट के लिए हम HTML यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट वो हमने पीछे पढ़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, किसी चीज़ को हमने, जैसे हमने ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि लिस्ट लिस्ट हमने दी हुई थी 0 से लेके वो डिफरेंट नंबर से। हमें अगर कहीं पर हमें ऐसा चाहिए कि लिस्ट ऑफ फॉर्म में डाटा चाहिए और उसमें से हमें कहीं से किसी भी नंबर से हमें डाटा निकालना हो तो फिर हम डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। उसमें अरे आता है, लिस्ट आता है, क्यू आता है, ट्री आता है। यहाँ पर हमने अरे पढ़ा हुआ है, विच इज़ अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप एज वन डायमेंशन लिस्ट टू डायमेंशन लिस्ट विद रो कॉलम। एक डायमेंशन की होती है, दो डायमेंशन की होती है और मल्टीपल डायमेंशंस की भी हो सकती है, लेकिन कॉमनली दो डायमेंशन की यूज़ होती है और हमें यहाँ पढ़ाई वही गई है। फर्दर आप एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे द सेम स्टेटमेंट हम फोर्ट्रान के अंदर, जैसे ये C++ में लिखी है, ये दो डायमेंशन अरे है, उसकी दो रो हैं, नौ कॉलम है। एज अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, हम जो मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स यूज़ करते हैं ना, हम उस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरह हमने इसको फोर्ट्रान के अंदर भी लिख के बताया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हम पूछा भी जाता है कि C++ में जो इंडेक्स होता है इसका अरे का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 से होता है और फोर्ट्रान के अंदर 1 से होता है, यानी पहला डिजिट जो वो एक्सेस करेगा जहाँ से वो स्टार्ट होगा जिसमें वैल्यू स्टोर होगी वो C++ में 0 होता है, फोर्ट्रान में वो 1 होता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि अरे इन विच ऑल द डाटा आइटम इन सेम आर सेम टाइप में होंगे सारे डाटा, उन्हें एजिटेट टाइप कहते हैं। आल्सो उसे हम स्ट्रक्चर कह लें, रिकॉर्ड कह लें, हेट्रोजीनियस अरे कह लें, कोई भी हम इनमें से चीज़ को कह सकते हैं। स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं वो इक्वलन टू क्लास होता है, वो यहाँ सिर्फ आपको बताया गया है, दिखाया गया है कि कैसे होने। वैसे पेपर में मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चों के पेपर में भी ये सवाल आया था कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर में हम पहले एक इस तरह हम लिख लेते हैं कि कोई एक करेक्टर करेक्टर एरिए है, फिर इंटीजर है, फिर फ्लोटिंग है, फिर इम्प्लॉयज, हमने बाद में फर्दर एक और जो है वो नेक्स्ट चीज शुरू कर दी। विच से दैट द वेरिएबल इम्प्लॉयज रेफर टू अ स्ट्रक्चर एब्रीवेटेड कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट कॉल्ड अ नेम, ये बेसिकली स्ट्रक्चर का नाम दे दिया हमने। इम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट एज, उसको जब बाद में एक्सेस करना होगा तो हम एम्प्लॉय के थ्रू करेंगे कि एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का नाम क्या है, इतने करेक्टर के अंदर नाम आ सकता है, एज इंटीजर हो सकती है यानी वो पॉइंट में नहीं आ सकती, और फिर स्किल रेटिंग जो है वो पॉइंट में आ सकती है 6.2 जैसे उसने रेफर किया है सारा। उसको एक एग्जाम्पल में आपको वो ये नीचे शो करवा रहा है, एम्प्लॉय नेम परचेस करेक्टर का हो सकता है तो वो इतना लंबा नाम उसने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हम असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बेसिकली हम असाइन कैसे करते हैं। अभी बेसिकली यहाँ पर जेड को साइन हुई है कि एक्स जमा वाई, ये C++ में हम ऐसे करते हैं, लेकिन आइडा में हम उसके साथ ये कोलन कोलन डाल देते हैं कि वो कोलन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल इक्वल है लेकिन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ हुई है, इसलिए इनकी नोटेशन जो है डिफरेंट है। अदरवाइज असाइनमेंट बिल्कुल ऐसी ही होती है कि जेड इज इक्वल टू वाई कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हम इस तरह कर सकते हैं कुछ भी, हमने जो हमें रिक्वायर्ड है हम उसके हिसाब से चल सकते हैं।
इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर आ जाता है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि इफ़ क्या होता है, इफ़ उसके बाद उसकी कंडीशन होती है, उसके बाद स्टेटमेंट होती है, एल्स होता है स्टेटमेंट, अगर वो ट्रू हो गया उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट ए एग्जीक्यूट कर दो, फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूट कर दो। उसकी एग्जाम्पल दी है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, यू हैव बिन पास एग्जामिनेशन, नहीं तो यू हैव फेल्ड एग्जामिनेशन। सिंपल, आप इस तरह इसको इफ स्टेटमेंट को लिखते हो। अब हम उसकी एक एग्जाम्पल पढ़े हैं कि हमने एक एफ डिक्लेयर कराया है जिसके अंदर सी जी एफ 3.5 लिखा है, अगर सी जी पी ए 3.0 से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो गिव स्कॉलरशिप, एल्स सॉरी यू डॉ नॉट क्वालिफाई स्कॉलरशिप। अब हमारे पास ऑलरेडी 3.5 है तो वो प्रिंट करेगा गिव स्कॉलरशिप को, आप प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लूप स्ट्रक्चर है, हमने लूप स्ट्रक्चर पीछे पढ़ा था कि हमें बार बार उसको रेपिटेटिवली लिखना नहीं पड़ता, हम एक ही बार उसको कंडीशन देते हैं, उसके अंदर उसको इनिशियलाइज करते हैं और उसको मॉडिफाई करके इंक्रीमेंट करते जाते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात पढ़ी थी एल्गोरिदम में, हम उसको सी प्लस प्लस में लिख के देखते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, सी आउट प्रिंट कर दो आई की वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, कंपाइलर देखेगा कि आई के अंदर वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक करेगा आई जो है वो 5 से छोटा है, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद वो दोबारा चेक करेगा आई के अंदर 2 आ गया है, कंडीशन सेल फॉल्स है, फिर ये प्रिंट कर देगा, यहाँ पर 2 प्रिंट कर देगा, फिर इसे 3 कर देगा, 4 कर देगा, जब वो 5 पर जाएगा 5 प्रिंट करेगा क्योंकि वो कंडीशन दी है लेस देन इज इक्वल टू उसके बराबर। जब वो 5 पर जाएगा 5 प्रिंट कर देगा, लेकिन उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स कर देगा, दैट टर्मिनेशन दिस विल टर्मिनेट फॉर लूप, उसको टर्मिनेट कर देगा। हमने ऊपर टर्मिनेट कंडीशन को डिटेल में पीछे पढ़ा था कि क्या होती है। अब हम मूव कर रहे हैं कि प्रोग्राम को करंट एक्टिविटी, कि प्रोग्राम के अंदर एक वक्त में मल्टीपल चीज़ें हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि नहीं, कि बिल्ड किया जा सकता है कि नहीं, पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक वक्त में मल्टीपल चीज़ें चल रही हो, एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी है, सारी चीज़ें क्या एक वक्त में हो सकती हैं या डिफरेंट किस्म की प्रोसेस हो सकती हैं, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्करेंट एक्टिविटी, जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग या कॉन्करेंट प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल उसने दी हुई है नीचे, कॉलिंग द प्रोग्राम यूनिट रिक्वेस्ट फंक्शन, फंक्शन को उसने रिक्वेस्ट की, कॉलिंग प्रोग्राम यूनिट, फंक्शन इज एक्टिवेटेड, बोथ यूनिट आर एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, उसको कॉल करना, फंक्शन को परफॉर्म करना, दोनों चीज़ें एक वक्त नहीं हो रही, जैसे ही वो कॉल हुई है, हमने उसको कॉल किया ना, कि ये फंक्शन हमने क्लास में या स्ट्रक्चर में ऊपर लिखा था, हम उसको कॉल कर रहे हैं, तो उसके कॉल करना और फंक्शन का एग्जीक्यूट होना दोनों चीज़ें एक साथ ही होंगी, बुलाना और उसके ऊपर करना। जैसे आप किसी को बुलाते हो वो आता है तो फिर ही आप उससे बात करते हो ना, यहाँ पर ये नहीं हो रहा, वो हमने उसको बुलाया और उसने साथ ही वो हो गया, दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं, बहुत एग्जीक्यूट साइमल्टेनियस, उसको बुलाना और उसको एग्जीक्यूट करना दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो इन चीज़ों को जावा के अंदर थ्रेड्स कहा जाता है, जो प्रोसेस होते हैं ना, ये प्रोसेस हो रहा है ना बेसिकली, एक प्रोसेस वो था कि बुलाना, एक प्रोसेस होता है फंक्शन, तो इसको थ्रेड्स कहा जाता है, स्पॉनिंग थ्रेड्स, बेसिकली हम दोनों थ्रेड्स को स्पॉन कर रहे हैं, एक वक्त में ही बुला रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, हमें ये पता है कि ये क्या होते हैं, सर सिर्फ आपको मॉडुलस का आप एक बता दूं कि मॉडुलस क्या होता है, ये एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस कराई जाती है कि अगर 5 मॉडुलस 2 लेंगे तो वुड गिव 1, 5 मॉडुलस 2 तो हमें 2.5 देना चाहिए, अगर हम 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो वो 2 देना चाहिए, 1 क्यों दे रहा है, 1 देता है रिमाइंडर, जो चीज़ रिमाइंडर बचेगी ना, बच जाएगी वैल्यू, आप डिवाइड करते हुए बाज़ात एक वैल्यू बच जाती है, रिमाइंडर हो जाती है, तो मॉडुलस के अंदर आपकी रिमाइंडर्स वैल्यू आती है, मॉडुलस का साइन ये होता है, ये पेपर में पूछा जाता है कि आर्थमेटिक ऑपरेटर सारे बनाएं, तो ये आर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, इनको अच्छी तरह याद कर लें। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है, ये भी पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं,
लेस देन, लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सी प्लस प्लस रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी याद कर लें, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। अब इसके एक एग्जांपल हम सी प्लस प्लस के कोड है, इंट ए है, हमने एक बी ले लिया, वेरिएबल सी ले लिया, इनको इनिशियलाइज कर लिया, कंडीशन दे दी है अगर ए बी से बड़ा है तो ए इज़ अ ग्रेटर, अगर ए बी से ए लेस देन बी ए इज स्मॉलर, इफ ए इज लेस देन इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू, ए इज लेस देन इज इक्वल टू सी, अगर ए ग्रेटर देन सी है ए इज लेस देन इज इक्वल टू सी। आप इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको जो है ना मैंने लिखा दिया, हम इसके एग्जांपल को दोबारा देख लेते हैं। इस एग्जांपल को हम देख लें, हमने इंटीजर उसको कर दिया इंट मेन, अब हम कंपाइल करेंगे वो बिल्कुल विदाउट रिजल्ट कंपाइल हुआ है, और हमने उसको रन किया तो ए स्मॉलर ए इज लेस देन, और उसने सारे आउटपुट दे दिए जो अकॉर्डिंग टू हमने उनके अंदर वैल्यूज दी थी। इसके अंदर आप इसी तरह डेव सी इंस्टॉल करके इसके अंदर वैल्यूज यहाँ पर चेंज करके देखें, ये कोड आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीन से कर लें या वहाँ से कर लें, जो भी आपको ईजी लगे, आपके डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल होगा, यहाँ आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं डेव सी प्लस प्लस 5.11। आप उसमें करके ये सारी कंडीशंस को चेंज करके भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेस देन कर सकते हैं, लेस देन इज इक्वल टू कर सकते हैं, इन कंडीशन को यहाँ से रिमूव करके भी कर सकते हैं। तो आप इनको टेस्ट करके अपने पास चेक करेंगे, आपके पास आउटपुट जो है वो जब भी आप जो कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दी है, इसको आप एग्जाम्पल को खुद ही आप इसको रन करके एग्जीक्यूट करके आउटपुट चेक करिएगा, इसी तरह आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मूव करते हैं हम आज के लास्ट लेक्चर की तरफ, लास्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। कुछ लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं हमें स्टेटमेंट को बाज़ुकात लेंथी करके एग्जीक्यूट करना होता है, कि एक कंडीशन नहीं हमें चाहिए होती है, हमने दो कंडीशन लेनी होती हैं, तो हम उसमें एंड और या नॉट यूज करते हैं। हमने एंड पढ़ा हुआ है कि बाइनरी के अंदर आउटपुट ओनली वन वन बोथ कंडीशन ऑफ ऑपरेटर, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो ट्रू नहीं होगा, और में कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो वो कर देगा, जब तक दोनों कंडीशन फाल्स नहीं होगी वो फाल्स नहीं देगा, जब तक दोनों कंडीशन एंड में ट्रू नहीं होगी वो ट्रू नहीं देगा। इसी तरह वो इन दो इस एग्जांपल के अंदर, आप इस एग्जांपल को हम रन करके देख लेते हैं, वहाँ पर यहाँ से कॉपी कर लें, बोर्ड के ऊपर करके देखते हैं, कंपाइल हमने किया वो बिल्कुल ठीक हो गया। और इफ ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड, नंबर वन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इफ नंबर वन ग्रेटर देन और, अब इसमें कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी और के अंदर, ये और का सिंबल है, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसके बाद ये है कि दूसरी कंडीशन है, इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, यहाँ पर फॉल्स है कंडीशन, एंड नंबर टू इज़ ग्रेटर देन, एंड इफ ब्लॉक जो है वो गेट एग्जीक्यूटेड, वो फिर भी एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि हो गया वो कंडीशन, ये ट्रू हो रही है कंडीशन, यानी बी से वो बड़ा ही है नंबर वन, और नंबर टू भी बी से बड़ा ही है, उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर हम 40 करके देखते हैं, देखें फिर क्या होता है, उसने उसको कंपाइल नहीं किया, क्योंकि वो कंडीशन एक भी कोई फॉल्स हो जाएगी तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नोट होता है उसको उल्टा दे, इफ नोट वन 40 है, नोट इफ ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड, अगर वो नहीं होगा, अगर वो 40 नहीं है तो वो कर देगा, इसका बेसिक मतलब ये उल्टाना होता है, अब ये 40 नहीं है तो ये कर देगा, अगर हम यहाँ पर 30 करेंगे तो वो उसको फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंपाइल आउटपुट नहीं आएगा, वो देखें वो नहीं आया लास्ट वाली स्टेटमेंट। इसी तरह आपने इन एग्जांपल्स को जो दी हुई हैं इनको आप रन करके एग्जीक्यूट करके चेक करें
कि कहाँ पर कौन सी कंडीशन ट्रू हो सकती हैं, कौन सी फॉल्स होती हैं, आप उनको खुद टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने C++ या C++ इंस्टॉल करें और उनको एग्जीक्यूट करके चेक करें। इन दी एंड मैं आपको एक बात आपको समझा दूं कि जैसे हम वहाँ पर हम पढ़ रहे थे ना कि वेरिएबल क्या होता है, ये एक वेरिएबल है नंबर वन, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 30 से। हम यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं भी करते, अगर हमने उसकी वैल्यू बाद में देनी होती है ना, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन रन टाइम पे हमने करना है कि वो कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, या उसकी वैल्यू बाद में अपडेट होगी आएगी, तो वो हम नहीं करते। लेकिन अभी जो हम कोर्स इस वक्त पढ़ रहे हैं उसमें आपको इसी तरह वेरिएबल बताया गया कि उसको इनिशियलाइज किया गया, इनिशियलाइज करके ऑलरेडी एग्जाम्पल में भी आपको दिखाया गया, और ये उसकी डाटा टाइप है। प्रीवियस एग्जाम्पल हम डॉल जेड करके मैं लाता हूँ, ये एक वेरिएबल है। हमने मल्टीपल वेरिएबल ये इस लाइन में इसलिए लिखे हैं कि सारे इंटीजर हैं। यहाँ पर फ्लोट भी यूज़ कर सकते थे, अगर हम यहाँ पर 10.1 कर दें, 20.5 कर दें, अब ये सारी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस में आ गया। उसी तरह जैसे वो है ना, एज सिमिलर आउटपुट सिमिलर ही आएगा, लेकिन वो उसको एज कंपेयर कर रहा है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर लेके जा रहा है। ठीक है, इन चीज़ को आपने फ़र्क कर देना, उसने वार्निंग भी दी है कि अब हम इधर हमें फ्लोट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें फर्दर आपको ये चीज़ें अभी यहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये चीज़ें समझाई हैं और C++ दिखाई है, क्योंकि आपने जो एडवांस स्टूडेंट हैं ना, जिन्होंने C++ पढ़नी है, आगे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये चीज़ें आगे फर्दर पढ़नी है, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा जो है वो वीक नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। इनको भी आप कंप्लीट करने से पहले मैं बता दूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी याद कर लें, और लॉजिकल और रिलेशनल में आप फ़र्क को समझ लें कि वो क्या फ़र्क है और इनमें इनकी नोटेशन में क्या फ़र्क है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं कि डबल एंड से हम एंड यूज़ करते हैं, ये दो लाइनों से हम और यूज़ करते हैं, इस सिंबल से नोट करते हैं, और लेस देन ग्रेटर देन किस तरह होता है, ये चीज़ें आप कर लें, क्योंकि ये चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। आपसे कोड नहीं पूछा जाएगा या कोड का आउटपुट नहीं पूछा जाएगा कि इस आउट कोड का आउटपुट आएगा, वो आपको एडवांस स्टेज के अंदर जाके पूछा जाएगा। इस ट्रूथ टेबल को भी देख लें, ये आपने ऑलरेडी पहले किसी वीक में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा वीक 9 यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा विचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि तो ये फाइनल टर्म का कोर्स है, तो ये आपके लेक्चर जो हैं काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।